नमस्कार। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिक संस्थान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मैं PMFME योजना के क्षमता निर्माण गतिविधि की ओर से चॉकलेट लेपित अनार बनाने के प्रसंस्करण पर वीडियो प्रदर्शन सत्र के लिए आप सभी का स्वागत करती हूं। अनार पुनिका ग्रेनाटम परिवार लिथ्रेसिया उप परिवार पुनिकैडिया में फल देने वाले पर्णपाती झाड़ी है, जो 5 से 10 मीटर यानी 16 और 33 फीट लंबी होती है। अनार का मूल निवास आधुनिक ईरान से लेकर उत्तरी भारत तक के क्षेत्र में होता है। भारत में महाराष्ट्र 5 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र के साथ सबसे बड़ा अनार उगाने वाला राज्य है, जबकि अखिल भारतीय क्षेत्र लगभग 15 लाख एकड़ है। अनार का स्वास्थ्य लाभ। अनार का उपयोग वर्षों से उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जा रहा है। आधुनिक विज्ञान ने पाया है कि अनार आपके दिल की रक्षा करने में मदद करता है और कैंसर को भी रोक सकता है। अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं, कैंसर जैसी बीमारियों को रोकते हैं और सूजन और उम्र बढ़ने के प्रभाव से भी कम करते हैं। यह रक्तचाप को कम करने और रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में भी मदद करते हैं। चॉकलेट और इसका मुख्य घातक कोको हृदय रोग के जोखिम कारकों को कम करता है। कोको की फलियों में मौजूद फ्लेवोन में एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होते हैं, जो हृदय रोग में निहित कोशिका क्षति को कम करते हैं। अनार का पोषण मूल्य। विटामिन सी, मैग्नीशियम, विटामिन ई, विटामिन K1 और कॉपर 40 से भरपूर होने के कारण अनार में एक उत्कृष्ट पोषण रूपरेखा है। इनमें फ्लेवोन पॉलीफिनॉल्स नामक एंटीऑक्सीडेंट की एक महत्वपूर्ण मात्रा भी होती है। मशीनें और उपकरण। फल वॉशर, ड्राइंग ओवन, पीलर या बीज बोने की मशीन, चॉकलेट पिघलाने की मशीन, रेफ्रिजरेटर या द्रुत शीतल मशीन। चॉकलेट लेपित अनार बनाने का प्रसंस्करण। अनार को पानी में भिगोया जाता है और वॉशर मशीन में धोया जाता है। फलों की सतह से चिपकी हुई गंदगी को वायु आंदोलन तंत्र द्वारा हटा दिया जाता है। इसके अलावा फलों को धोने के लिए मजबूत पानी के स्प्रे के अधीन किया जाता है और फलों को धोने वाले कन्वेयर में आगे बढ़ने में सहायता करता है। पिकअप कन्वेयर पर ताज़े पानी का छिड़काव फलों को ताज़े पानी से धो देता है। अनार को छीलने और उनके बीजों को आसानी से और कुशलता से अलग करने के लिए अनार के छिलके और बीज निकालने की स्वचालित मशीन का उपयोग किया जाता है। अन्यथा अनार में अधिक नमी होने के कारण चॉकलेट जब्त हो सकती है। इसके बाद चॉकलेट को डबल बॉयलर या चॉकलेट पिघलाने वाली मशीन में पिघलाइए। चॉकलेट का गलनांक 30 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। चॉकलेट को पिघलाने के समय आखिरी चॉकलेट के पिघलने से पहले चॉकलेट को गर्म करना बंद करें। पिघली हुई चॉकलेट को हिलाने पर बची हुई गर्मी बची हुई चॉकलेट को पिघला देगी। चॉकलेट पिघलाने के बाद अनार के दानों में डालें और धीरे से मिलाएं, जब तक कि सभी बीज चॉकलेट से अच्छी तरह लेपित न हो जाएं। चॉकलेट लेपित बीज का मिश्रण जब थोड़ा गर्म हो तो एक चम्मच में
या वांछित मात्रा में छोटे गारे में डालिए या कुछ चर्म पत्र कागज में निकालें। लगभग एक घंटे के लिए या सेट होने तक ट्रे में फ्रीज या चिलिंग यूनिट में रखें। पैकेजिंग और भंडारण। चॉकलेट लेपित अनार को फूड ग्रेड पॉली या मेटालिक फिर से सील करने योग्य थैली में पैक किया जाता है ताकि इसकी ताजगी को रोका जा सके। इन्हें एयरटाइट डिब्बे में भरकर 3 दिन तक फ्रिज में भी रखा जा सकता है। अब तक हमने चॉकलेट लेपित अनार बनाने की आधुनिक प्रसंस्करण प्रदर्शन वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रसंस्करण योजना के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देखा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ साझेदारी में अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उन्नयन के लिए तथा वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की है। पीएम एफएमई योजना के दिशा निर्देशों, विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित विवरणों के प्रदर्शन वीडियो और DPR के लिए कृपया हमारे वेब लिंक पर जाएं।